कि भाई कोई राजनेता गांव में आता है तो शांतिपूर्ण तरीके से सभ्य तरीके से उनसे सवाल पूछे जावे। जो उनके समर्थक थे उनके समर्थकों ने भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, इनको चोट लगी, इनके भतीजे हैं इनको भी चोट लगी, आपने देखा होगा इनकी आंख में यहां पे चोट लग रही है, भाई के काले के सिर में चोट लग रही है। खिलाड़ी किसी एक परिवार का नहीं होता, खिलाड़ी तो पूरे समाज का हुआ है, पूरे गांव का हुआ है, पूरा गांव उसके लिए अपना परिवार हुआ है, और इस गांव का भी विशेष तौर पर पूरे जिले का भी पूरे हरियाणा का भी नाम भाई ने पूरी दुनिया में रोशन कराया है। इस तरीके से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को इस तरीके से टारगेट करना और वो भी सिर्फ सवाल पूछने के उस मुद्दे पर, ये बहुत ही निंदनीय है। इस जेजेपी पार्टी से उसके नेता से भाई ने सवाल पूछे, उसके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने एक इतना गैर जरूरी बयान दिया और बयान में कह दिया बोला भाई ये तो नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि भाई की जो एमएलआर कट रही है, जो डॉक्टरों ने भी उस समय बताया किसी तरह का कोई नशा नहीं कर रखा। सारे भाइयों ने सब ने राम राम सत श्री अकाल। साथियों आज हम है भाई काला के पास अरिगढ़ गांव में कैथल में। आपने देखा होगा अभी दो तीन दिन पहले इन्होंने दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछे थे गांव में, जब इनके गांव में आए और अपने खिलाड़ियों से संबंधित थे, किसानों से संबंधित सवाल थे, और ये कि हेल्दी लोकतंत्र की निशानी है कि भाई कोई राजनेता गांव में आता है तो शांतिपूर्ण तरीके से सभ्य तरीके से उनसे सवाल पूछे जावे, और भाई ने भी बड़े ही सभ्य तरीके से बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उनसे सवाल पूछे थे। उसके बाद जो उनके समर्थक थे उनके समर्थकों ने भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया, इनको चोट लगी, इनके भतीजे हैं इनको भी चोट लगी, आपने देखा होगा इनकी आंख में यहां पे चोट लग रही है, भाई के काले के सिर में चोट लग रही है। देखो ये भाई काला खिलाड़ी है और खिलाड़ी भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है, और अपने गांव देहात में हरियाणा पंजाब में तो एक कहावत भी है कि खिलाड़ी किसी एक परिवार का नहीं होता, खिलाड़ी तो पूरे समाज का हुआ है, पूरे गांव का हुआ है, पूरा गांव उसके लिए अपना परिवार हुआ है, और इस गांव का भी विशेष तौर पर पूरे जिले का भी पूरे हरियाणा का भी नाम भाई ने पूरी दुनिया में रोशन कराया है। जब भाई कहीं पर दूसरे देश में यूरोप में कहीं खेलने जावे है तो अकेले इनके परिवार की उसमें कोई तारीफ नहीं है, पूरे गांव की, पूरे जिले की, पूरे हरियाणा की और पूरे देश की एक तरीके से वह तारीफ है। और इस तरीके से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को इस तरीके से टारगेट करना और वो भी सिर्फ सवाल पूछने के उस मुद्दे पर, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे पंजाब से गुरिंदर भंगू जी हैं, हमारे सुखजीत जी हैं, हमारे साथी देवेंद्र भाई हैं, गुलाचिका से ही भाई कुलदीप जी हैं, हमारी पूरी जो टीम है आज भाई का यहां पर हालचाल पूछने के लिए आई है, और हम भाई को हमने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी है कि पूरा समाज न सिर्फ हरियाणा का बल्कि हरियाणा और पंजाब का पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा भाई के साथ खड़ा है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा पूरे दोनों मोर्चे भाई के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और एक बात हम और कह दें, जिन राजनेताओं से, जिस जेजेपी पार्टी से उसके नेता से भाई ने सवाल पूछे, उसके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने एक इतना गैर जरूरी बयान दिया और बयान में कह दिया बोला भाई ये तो नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि भाई की जो एमएलआर कट रही है, जो डॉक्टरों ने भी उस समय बताया किसी तरह का कोई नशा नहीं कर रखा। ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी तो वो होते हैं जो गांव देहात से, गांव देहात के बच्चों को नशे से दूर करने का काम करते हैं। तो ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना, ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तो उनके समर्थकों ने भाई को चोट मार दी और जानलेवा हमला करा, हो सकता कोई ज्यादा नुकसान हो जाता, और उसके बाद उल्टा इन्हीं पर झूठे आरोप लगावे हैं। तो इस तरीके की जो ये अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, हम इनको एक बात कहना चाहते हैं, ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, खिलाड़ी किसी एक गांव के नहीं होते, ये समाज के हुए हैं, छत्तीस बिरादरी के हुए, पूरे देश के हुए हैं। तो इनके ऊपर पहले तो ऐसा हमला कराना और फिर ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, और वो इन चीजों तक बाजावे, नहीं तो पहले उनका के हाल करा था समाज ने, आगे भी वे अपना हाल देख लेंगे, और जो एक आधी भूली भटकी जो वोट रह भी रही होगी ना, वो अभी नहीं आओगी। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं भाई हर तरह की राजनीति से ऊपर है, इस तरीके से भाई को निशाना बनाने का प्रयास ना किया जावे। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाड़ियों को निशाना बनाने का प्रयास करेंगे तो फिर उन्हें उसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सारे लोगों को हम ये कह रहे हैं भाई भाई के साथ खड़े हैं, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब भाई के साथ खड़ा है, तन मन धन तक खड़े हैं। आधी रात ने भी हमारा भाई जब मारते नहीं उठेगा कि बोला भाई यारे जरूरत से यारे पहुंचना है, तो हम हर तरीके तक वहीं पर पहुंचने का काम करेंगे और भाई के साथ है। और पूरे पंजाब हरियाणा के भाइयों से मैं ये भी कहूंगा, ऐसे खिलाड़ियों का
पूरा उत्साह वर्धन करो, ये पूरे देश का नाम रोशन करते हैं और हर तरीके से इनका साथ देने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।